गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। एक चीज़ और है, मैंने स्प्रेडशीट प्रिपेयर किया है आपके लिए, अटेंडेंस के लिए, जिस पे मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ। उस शीट का आप अटेंडेंस खुद ही मार्क कर दीजिए, ठीक है? आप खुद मार्क करेंगे और हम यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना? सिर्फ करना क्या है, मैं कहाँ पे भेजूँ? मैं आपके व्हाट्सएप पे भी भेजूँ? आप खोल करके आप अपने नेम के आगे सिर्फ पी लिख लेंगे, ठीक है ना? चैट पे लिख सर, चैट पे दे दो ना। तो चैट चैट पे भेज बॉक्स में दो। सेंड। अच्छा, यहाँ चैट पे। यस वेट, सर। मैं आगे फिर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दूंगा, जैसे आगे कोई किसी के अटेंडेंस को एडिट ना करे। जो फिल होते जाएंगे मैं उसको फिर आगे रिस्ट्रिक्शन लगाता चला जाऊंगा, ठीक है ना? अभी देखिए, क्या है अभी सर? सर इससे पहले अभी क्या करते हैं आप? किस पे रिस्ट्रिक्शन? क्या मैं बताता हूँ, पहुंच गया आप लोगों को चैट मेरा? पे? सभी को आया? नहीं ऐसा नहीं आया। अब गया होगा, पहुंचा सर, होगा। व्हाट्सएप पे भी आ गया भेज सर, दीजिए सर। आ गया, चैट पे आ गया, चेक कर लीजिए। आ गया सर। आ गया सर ना? नहीं आया, एक बार फिर से भेज दीजिए। सर इसमें अटेंडेंस फिक्स नहीं है अपनी? अटेंडेंस शीट ही तो भेजी है, क्या खुला आपको? सर सिर्फ आज की लगाने की पेंशन लगानी नहीं, 3 दिन की लगानी है। मैंने इसीलिए दिया कि अपनी अपनी ईमानदारी दिखा करके जो जो जिस जिस दिन प्रेजेंट थे उस उस दिन की सर, लगा दीजिए। हाँ बोलिए, व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए सर। मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आज आप 3 बजे भेज देंगे, 3 दिन का भेजेंगे, मैं इसके बाद तुरंत वो तीन जो आपके कॉलम है ना, मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। फिर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, जो जो नहीं फिल कर पाएगा वो नहीं फिल कर पाएगा फिर, ठीक है ना? उसको मैं फ्रीज कर दूंगा, ये ध्यान रहे। इसलिए अटेंडेंस लगा लीजिए, क्लास खत्म होने से पहले पहले आप अटेंडेंस लगा लीजिएगा, ठीक सर कहाँ लगानी है अटेंडेंस? है? मैंने शीट भेजी, ओके सर। लिंक भेजी है मैंने चैट में, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दी, आप चेक कर लीजिए। सिर्फ करना क्या है आपको, आपको अपने नाम के आगे पी लिख देना है, बस दैट्स इट। सिर्फ 3 दिनों के लिए, मैंने ऊपर डेट डाले हुए हैं, 5th जनवरी, 6th जनवरी एंड 7th जनवरी, आज तक की है वो। सर सेव करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ देना कुछ है? नहीं, बस हाँ छोड़ देना, वो ऑटो सेव्ड होता है, वो गूगल शीट है वो। ओके सर। आपको सिर्फ लिख करके और लॉग आउट हो जाना है, ठीक है? हो गया। यस सर। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, लिंक मैं बार बार शेयर नहीं करूंगा। एक बार लिंक आप अपने, दो लिंक मैंने बनाए हैं, वर्कशॉप की अलग अटेंडेंस होगी, इसकी अलग होगी, इसके इसमें इस शीट में होगी, वर्कशॉप की अलग होगी, ठीक है ना? वर्कशॉप की शीट हम वर्कशॉप में शेयर कर देंगे आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। मैं वैसे डेट ऊपर मेंशन कर दूंगा कि किस, या अगर मैं मेंशन नहीं कर पाया तो आप में से कोई एक बच्चा जिस डेट का होगा ऊपर अगर मिसिंग होगा तो उस डेट को मेंशन कर देंगे, ठीक है? चलिए, या अगर कहेंगे तो मैं डेली शेयर भी कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक कॉपी लिंक कॉपी करना है, ठीक है? चलिए, ये थोड़ा इजी हो जाएगा जब अटेंडेंस कंपाइल होगी, आप भी अपनी अटेंडेंस देखते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा, ये मतलब कोई हिडन नहीं रहेगा। और मैं पीछे, अब जैसे आज 3 डेज का आप लगा देंगे, 3 दिन के, तो मैं तीनों को फ्रीज कर दूंगा, फिर वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है? और मैं इसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। प्रॉक्सी ना लगाएं, मैं प्रॉक्सी का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ,
क्योंकि अगर किसी ने किसी की लगा दी ना तो यहाँ जो एक्सेल शीट है उसमें शो होता है कि किसने किस रो में एंट्री करी है, ठीक है। तो जिसने भी एंट्री करेगी, जो भी एंट्री करेगा दूसरे के इसमें अटेंडेंस में और वो क्रॉस वेरीफाई में मैच नहीं हुआ तो उसकी अटेंडेंस चली जाएगी, या मार्क्स में कहीं ना कहीं आप जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपना ही लगाएं, किसी और का ना लगाएं। हर कोई अपना अपना मोबाइल है, क्लास जो अटेंड करेगा वो अपना लगा लेगा, ठीक है ना। बाकी मैं क्रॉस वेरीफाई जो ये स्क्रीनशॉट आ रही है उससे हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट मुझे कोई एक बच्चा लेके भेज देगा जब मैक्सिमम क्लास 5-10 मिनट के बाद, अभी 47 है, 5-10 मिनट के बाद लेके भेज देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक्स पढ़ा, हमने मटेरियल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आप 11-12 में थे। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है। तीन तरह के डिफेक्ट्स आपको मैंने बताए थे मेनली, ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो। एक है पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा लाइन डिफेक्ट, तीसरा प्लेन डिफेक्ट्स। आपने नाम तो दो सुने होंगे पहले, पॉइंट और लाइन। पढ़ा सिर्फ पॉइंट इम्परफेक्शन होगा, पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ा होगा, या सिलेबस में अगर नहीं पढ़ा भी है तो सिलेबस में मेंशन था वहां पर, जो कि पॉइंट डिफेक्ट था। पॉइंट डिफेक्ट जो किसी भी क्रिस्टल या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर किसी पॉइंट की वजह से, पॉइंट का मतलब एक पॉइंट, उसकी वजह से अगर कोई डिफेक्ट राइज होता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जैसे इसके चार पॉइंट दिए गए हैं, वैकेंसीज, इंप्यूरिटीज, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। वैकेंसीज का मतलब कि उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके कहीं और चला गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी क्रिएट हो गया का मतलब हो गया कि उसका जो एटम है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, तो उसको हम कहते हैं वैकेंसीज, ठीक है। वैकेंसीज और फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल में भी अपनी पोजीशन से जो एटम्स है या जो आयंस है वो डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। ये आपका पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। यानी एक पॉइंट की वजह से एक एटम मिसप्लेस हुआ, ठीक है। उसके बाद इम्प्यूरिटी है, कोई फॉरेन मटेरियल का कोई एटम अगर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर आकर के अगर स्टेबल हो जाता है, अगर आकर के उसे मिक्स हो जाता है, उसके फॉरेन एटम या फॉरेन आयंस आकर के अगर उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज। जैसे कार्बन के एटम के अंदर, जो कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर सिलिकॉन का अगर आयंस आ गया तो वो कहीं ना कहीं उसको हम कहेंगे कि वो जो मटेरियल है जिसका स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो इंप्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रैंकल, मैंने अभी आपको बताया फ्रैंकल में और वैकेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल के अंदर भी आपका जो आयंस या एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन वैकेंसीज के अंदर क्या है कि जो एटम या आयंस है वो डिस्प्लेस हो करके उस स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वैकेंसीज। लेकिन फ्रैंकल के अंदर क्या है कि जो एटम या आयंस वहां से डिस्प्लेस हुए हैं वो उसी स्ट्रक्चर में किसी और लोकेशन पर प्लेस हो जाते हैं। अरे बस समझ में, यानी कि इसका जो ये निगेटिव आयन है ये अपनी ओरिजिनल साइट छोड़ करके इंटरस्टीशियल साइट पर चला जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इस तरह के जो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। इसके अंदर भी जो एटम्स हैं, अगर मॉलिक्यूल्स, अगर आयंस की बात करते हो तो जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव जो स्टोइकोमेट्री है, यानी कि जो नंबर ऑफ आयंस की जो स्ट्रेचोमेट्री है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप क्या करते हैं, जितना भी उसमें आयंस या एटम्स हैं वो अगर डिस्प्लेस्ड होते हैं, डिसलोकेटेड होते हैं अपने नॉर्मल लैटिस साइट से, तो उसको हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ध्यान रखने वाली बात है कि
कि जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन है, स्टोइकोमेट्रिक का मतलब जैसे चार अगर पॉजिटिव आयन इनिशियल में थे और चार अगर नेगेटिव आयन थे तो उनका स्टोइकोमेट्रिक क्या था, उनका स्टोइकोमेट्रिक क्या था, नॉर्मल था, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन पे था, चार पॉजिटिव चार नेगेटिव। तो अगर इसमें से एक नेगेटिव जा रहा है अपनी पोजीशन छोड़ करके तो दूसरा पॉजिटिव भी जाएगा, तभी उसकी न्यूट्रलिटी बनेगी, तभी उसकी जो स्टोइकोमेट्री है वो न्यूट्रल होगा। तो उसको बिना डिफेक्ट किए हुए, उसको बिना इफेक्ट किए हुए इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। यहां तक था आपका पॉइंट डिफेक्ट जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। इसके बाद आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी भी सॉलिड में या किसी भी मटेरियल में, सॉलिड मटेरियल के अंदर आपका जो एक एक पूरी की पूरी डिफेक्ट एक लाइन में हो, लाइन का मतलब अक्रॉस द बॉर्डर एजेस, आप ये कह लो कि जो एजेस है अगर उसके अंदर डिफेक्ट आनी शुरू हो गई तो उसको हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। और ये एक पॉइंट का डिफेक्ट नहीं है कि एक प्रॉपर पॉइंट पर इम्परफेक्शंस हुआ है, नहीं, ये पूरी जो सिमेट्री बनती है उसके अलोंग में ये डिफेक्ट आनी शुरू होती है और ये सिंगल डायमेंशन होता है, यानी एक डायमेंशन में पूरा के पूरा डिफेक्ट होता है। इसके भी दो तरह के डिसलोकेशंस होते हैं, एक तो एज, मैंने आपको बताया ये एज डिसलोकेशंस भी है, और दूसरा होता है स्क्रू डिसलोकेशंस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्लेन इम्परफेक्शन। प्लेन इम्परफेक्शन टू डायमेंशनल हो गया, इसको हम सरफेस डिफेक्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर जो आपका जो सरफेस है, जो आपकी जो आपके सॉलिड है उसके पूरा के पूरा होल जो सरफेस का जो स्ट्रक्चर है टू डायमेंशन एक्स एंड वाई दोनों डायमेंशन के अंदर, वो पूरी की पूरी अगर डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो उसको हम कहते हैं प्लेन इम्परफेक्शन या सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। नाउ ये था जो आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें जो मटेरियल से रिलेटेड बताई गई, क्योंकि आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो मटेरियल पढ़ना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल्स या मेटल्स जो हम पढ़ने वाले हैं या नॉन मेटल्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये थी कुछ बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर सॉलिड के स्ट्रक्चर, वो सॉलिड चाहे क्रिस्टल हो, चाहे अमॉर्फस हो, चाहे उसके, चाहे वो अरेंज्ड ऑर्डर में हो, चाहे विदाउट अरेंज्ड ऑर्डर में हो, उसके एटम्स, उनकी जो छोटी छोटी पॉइंट्स थे वो हमने अभी तक डिस्कस किए। नाउ इसके बाद आता है जो सिलेबस का जो आपका पॉइंट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहला इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। आपने कभी पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ डायग्राम कहीं पर, एनीवन प्लीज, कहीं yes, पर सर, फिजिक्स पढ़ा है सर। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पढ़ा होगा, आई थिंक सर यंग्स मॉडुलस, सर इलास्टिक लिमिट तक था हमारे में कि यंग्स, हाँ यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, इलास्टिक लिमिट तक पढ़ा था, लेकिन वो किस मटेरियल, देखिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हर मटेरियल का, हाँ बोल लीजिए, कांस्टेंटन मैग्नन वायर करके वो उसके लिए, आप किसी भी पर्टिकुलर मेटल्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी एक कैटेगरी है कि वो किस तरह का मटेरियल है। आपने जो पढ़ी होगी, मुझे भी याद आ रहा है हल्का हल्का कि आपने दो तरह के मटेरियल्स की पढ़ी होगी, एक लिखा होता है वहां पर कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद आना शुरू हो गया, और एक आपने पढ़ा होगा रबर के लिए, ये भी मुझे याद आ रहा है कि रबर के लिए भी था शायद 11 12 में, ठीक है, और एक होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो यानी कि मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, स्ट्रेस क्या होता है भी बताइए, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स होता है, एक बच्चे ने कहा फोर्स अपॉन एरिया होता है, मैं किसको सही मानूं, फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, जिसने भी कहा थोड़ा सोचिए, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, नहीं सही कह रहा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है, Yes, exactly. अगर आप किसी भी
सिस्टम पे या किसी भी मटेरियल पे या किसी भी सिस्टम पे, हम इसको एक जनरल डिफाइन करें तो किसी भी सिस्टम पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगाना शुरू करोगे तो वो सिस्टम उस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, ठीक है, जो बाहरी जो फोर्स लग रहा है उसको रेसिस्ट करेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, यानी अपने आप को रिस्टोर कर रहा है वो, जो बाहर के प्रेशर फोर्स और जितनी भी तरह की चीजें अप्लाई होनी उसके अगेंस्ट में, दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नेम्ड एज that restoring force per unit area is named as stress. Is that clear? Yes, sir. Again, strain क्या होता है? Anyone please? Strain. चलिए मैं बताता हूँ strain क्या होता है। Strain होता है कि जब आप किसी भी मटेरियल को आप एलोंगेट करो, आप खींचो, आप उस पर फोर्स लगाओ, क्या होगा, वो मटेरियल एलोंगेट हो जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज से बढ़ जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा सर, होगा सर, ठीक है। हर मटेरियल पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो मटेरियल अपने ओरिजिनल साइज से चेंज होगा, बट वो अलग बात है कि किस लिमिट तक चेंज हो रहा है और फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको हटाने के बाद पॉसिबल है कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसके लिए हम यही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी बताएंगे, ठीक है, अभी उसकी चिंता ना करो, वो हम बताएंगे। लेकिन अगर अभी मैं सिर्फ स्ट्रेन डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर मैं उसको इलोंगेट करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाने से वो अपना जो ओरिजिनल साइज है वो चेंज करेगा। That change in original size, suppose उसका initial length उस object का, उस material का, उस piece का अगर L length था, suppose मेरे पास अभी ये mobile phone है, इस mobile phone की length अगर L है, हमने इसके इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से पकड़ करके ऐसे खींचना शुरू किया through machines, tensile machines, तो क्या होगा, इस material में elongation आएगा। Suppose इसकी length अभी है तकरीबन 5 inch के आसपास है, 4 inch के आसपास है, इसको जब हमने एक फोर्स लगाया, एक डिफाइंड फोर्स लगा करके इसका अगर मैंने साइज देखा, तो ये देखा कि 4 inch से 4.0001 inch हो गया, समझ गए, यानी कि कितना इसका इंक्रीज लेंथ कितना हो गया, 0.001 inch। अगर ये इलोंगेट हुआ बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए, अगर उससे भी ज्यादा फोर्स लगाए तो हो सकता है कि उसके बाद ये टूट ही जाए। मैं मटेरियल की वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मैंने एग्जांपल लिया मोबाइल फोन का, लेकिन वो हो सकता है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो दूसरा मटेरियल है वो इलोंगेट हो रहा है तो कितना इलोंगेट। अब जैसे रबर ले लो, अब ये जैसे लो मेरे मास्क है, मेरे मास्क की इलास्टिक है, ठीक है, अभी इसका 2 mm है, ठीक है, अब मैं इसको खींच के मैंने इसकी इलास्टिक ऐसे बड़ी कर दी, अब ये 4 inch हो गई, या मान लो ये अभी 5 centimeter थी, अब ये हो गई 10 centimeter, तो इसमें क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ हुआ। कैसे लेंथ चेंज किया, हमने इस हाथ से और इस हाथ से फोर्स लगाना शुरू किया, खींचना शुरू किया, ये खींचना शुरू करने का मतलब क्या है, ये फोर्स लगाना शुरू किया, इसकी वजह से इसके अंदर एलोंगेशन हुआ, चेंजेस हुए इसके साइज में, चेंजेस होने का मतलब है कि कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल था 5, पहुंच गया कहां 10, तो डिफरेंस कितना हुआ 10 - 5। दिस चेंज इन एलोंगेशन पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, जो आपकी 5 mm और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर, समझ आ रही बात, यानी कि आपको दो टर्म क्लियर हो गए। देखो मैं अभी एकदम फास्ट नहीं चल रहा, मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बेसिक क्लियर हो गया तो मेरे लिए जो एमपी पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल्स होते क्या हैं, बाकी आगे किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं आएगी, बस प्रोसेस बताते चले जाएंगे, आप समझते चले जाओगे, ठीक है। चलिए तो आपको बेसिक स्ट्रेस भी समझ में आ गया, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, पहला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कंटेंट ऑफ सिलेबस। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी स्ट्रेंथ और हार्डनेस, स्टिफनेस सब एक तरह के हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे।
जब ये चीज बेसिक सीख जाओगे ना तो वहां पर पता चलेगा कि अगर फोर्स की जगह स्ट्रेस आता है तो क्या मीनिंग होता है, फोर्स की जगह अगर आपका एनर्जी आ गया तो क्या मीनिंग होता है, उनसे कैसे चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें एक दूसरे पर इंटर रिलेट करते हैं। और यही डिफरेंसेस है हार्डनेस स्ट्रेंथ और ये सब चीजें और भी चीजें मैलिनिटी डक्टिलिटी ब्रिटलनेस ये सब चीजें जो इंटरलिंक्ड हैं वो सब चीजें वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये किसका माइक ऑन है भाई? देखिए थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस हैं, थोड़ा सा इस ऑनलाइन क्लासेस का एक डेकोरम है जिसको आपको भी मेंटेन करके रखना है। हर कोई अपने घर में बैठा होगा, घर में और भी लोग होंगे, लेकिन एटलीस्ट क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो ये सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लास का डेकोरम है जिसको मैं भी मेंटेन करूंगा, आपको भी मेंटेन करना है ताकि मैं क्लास अच्छे से ले सकूं, आप अच्छे से समझ सकें। और कोशिश करिए कि जैसे क्लास क्लासों में बैठते हैं वैसे ही अपने घर में कोई एक छोटा सा जगह जहाँ पे आप बैठ करके अपनी सुबह से शाम तक क्लास ले सकें, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और प्लीज इस तरह का शोरगुल पीछे से ना आए, अगर आता है तो म्यूट कर लीजिए, होगा हो सकता है कि घर में और भी लोग हैं तो उसको म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेस भी समझ में आ गया। स्ट्रेन यहाँ पे आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दिया किसने था, किसी को पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हुक्स लॉ से जो हुआ था शायद हुआ था। एग्जैक्टली वही हुक्स, हुक्स एक स्कॉलर थे, उन्होंने हुक्स लॉ यही था, इसी से हुक्स लॉ डिफाइन किया था। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब भी हम बात करेंगे तो वो हुक्स लॉ की ही बात करते हैं, वो हुक्स लॉ ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताता है। किसने किया था? हुक्स ने। ठीक है ना, एक स्कॉलर थे हुक्स, HOOK। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था जो हुक्स के लॉ है, जो हुक्स का जो स्टेटमेंट है, लॉ का जो स्टेटमेंट है, कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर अ मटेरियल। ये टर्म, ये जो दिख रहा है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पे कैटेगराइज हो गया कि मटेरियल तो बहुत तरह के हैं, सॉलिड बहुत तरह का है, रबर भी एक सॉलिड है, पर रबर डक्टाइल मटेरियल में नहीं आता, रबर इलास्टिक मटेरियल में आता है। मटेरियल तो आपका वुड भी है, पर वुड डक्टाइल मटेरियल में नहीं आता, वो बिस्किट की तरह है, मोड़ोगे तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, ब्रिटलनेस में आ गया। जैसे आप बिस्किट लेते हैं, बिस्किट को मोड़ते हैं तो मुड़ता है क्या? नहीं। लोहे की रॉड लेते हैं, सरिया लेते हैं, तो सरिया को मोड़ो तो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा वो, क्योंकि वो डक्टाइल है। उसकी टूटने की लिमिट तक पहुंचने से पहले उसमें बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिटल मटेरियल को लोगे तो आपका क्या होगा? वो ब्रिटल मटेरियल आप ऐसे करोगे फट से टूट जाएगा। ठीक है, तो अब जो हुक्स के लॉ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अब ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग हो गया। लॉ वही है, डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, इलास्टोमर के लिए अलग बनेगा, जैसे रबर मटेरियल, डक्टाइल के लिए अलग बनेगा और ब्रिटल के लिए अलग बनेगा। तो ये जो डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, ये वाला, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल फर्स्ट। क्लियर है? अब आइए, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डिफाइन हुआ, हुक्स ने डिफाइन किया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट लगेगा, जिस कांस्टेंट को यहाँ पे हमने नाम दिया है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। आपने जो बोला दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपका आ गया कहां से? ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। अब आइए, अब इस डायग्राम को समझिए। अगर एक डक्टाइल मटेरियल पे आप फोर्सेस लगा करके उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक, यानी ब्रेकिंग पॉइंट तक अगर आप पहुंच रहे हो, यानी कि एक लोहे की रॉड दोनों तरफ से आपने पकड़ा मशीन के थ्रू, उसको हम कहते हैं यूटीएम मशीन। ये ग्राफ कहां से आया? अच्छा, सबसे पहले बात, ये ग्राफ कहां से आया पता चलता है? ये ग्राफ कैसे खींचा गया है? एनीवन प्लीज? Anyone please? ग्राफ कैसे खींचा गया है? हमने खींचा है? ये मशीन ने खींचा है। ये जो ग्राफ आता है ना, ये मशीन जो टेंसाइल मशीन होती है,
यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन, यूटीएम मशीन कहते हैं। हम किसी भी पीसेस को उसमें प्लेस करते हैं, वो क्या करता है, टेंसाइल फोर्सेस लगाता है। उसके बाद अगर लोहे का पीस है तो जहाँ पे ब्रेक होता है वहां तक पहुंचते पहुंचते उस मशीन में पेंसिल भी है और ग्राफ पेपर भी है। वो बता देता है कि आपका जो ग्राफ है जो जीरो पॉइंट से उठ करके किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, कि ये वहीं से डिराइव हुआ है ये ग्राफ। ठीक है, अब समझिए ये ग्राफ क्या है। जब डक्टाइल मटेरियल पे टेंसाइल फोर्सेस लगा करके जब ब्रेक किया गया तो उसमें तीन चार रीजन ऐसे आए जहां पे बहुत चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला ये कहा गया कि जब 0-0 स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जब 0-0 था तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स, जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो हुक्स ने दिया था उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला गया। कहां तक बढ़ा, कहां तक बढ़ा, एक सेकेंड देखिए कहां तक बढ़ा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये रेड तक, यहां से यहां तक आपका हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग चला। दिख रहा है, विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, इसके बाद अभी तक प्रोपोर्शनल था। प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी इसका एक मीनिंग और भी है जो मैं अभी इसके बाद बताता हूं। इसके बाद फिर ये मटेरियल में चेंजेस देखने को मिला कि सडनली ड्रॉप किया उसका, क्या ड्रॉप किया, स्ट्रेस ड्रॉप कर गया। ठीक है, एलोंगेशन तो होता रहा, जो स्ट्रेन है वो बढ़ती रही, लेकिन स्ट्रेस सडनली ड्रॉप कर गया, जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है ऐसे ड्रॉप करके फिर इंक्रीज। तो यहां पे ये हुआ, ये आपका आया यील्ड जोन। यील्ड जोन का मतलब ये अपर यील्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, और ये आपका कहलाया ये वाला लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में ये बताया गया, ये देखा गया कि इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो स्ट्रेस रिलीव हुआ, उसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्रैकिंग नहीं बल्कि ये कह लो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन से आगे क्या होगा, क्रैकिंग। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि अब भाई ये मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट पहुंचने वाला है, अब इसके बाद जरा सा जाएंगे बस एकदम क्रैकिंग और उसके बाद फ्रैक्चर। क्रैकिंग और फ्रैक्चर अलग अलग चीज है। क्रैकिंग का मतलब है कि वहां पे एकदम मैक्सिमम लोड हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो गई और वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है वो दिखने शुरू हो गए। फिर उसके बाद जरा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, फ्रैक्चर पॉइंट पे आ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ेगा और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ा, एलोंगेशन सब जबरदस्त बढ़ी, ये जो आपकी यहां से यहां की जो लाइन दिख रही ना, ये एलोंगेशन बढ़ी तो अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचा, एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच गया। यानी अब इसके बाद इसमें क्या होगा, क्रैकिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेटली उसके बाद वो फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है, जो ये अपर यील्ड पॉइंट है मैंने बताया, इसके नीचे एक रीजन है, इसको हम कहें प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक जोन। इस इलास्टिक जोन का मतलब ये हो गया कि जब तक हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा था या होगा तब तक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस लगाने से जो उसकी एलोंगेशन थी, जो फोर्सेस लगाने से जो इसकी एलोंगेशन हुई, यानी स्ट्रेस बढ़ने से जो इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, यानी कि जो टेंसाइल फोर्सेस लगाने से इसके अंदर जो एलोंगेशन हुई, अगर वो हम टेंसाइल फोर्सेस रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यानी इलास्टिक बिहेवियर का जो कंडीशन है वो यहां पे अप्लाई होता है इलास्टिक जोन में। इसके बाद जैसे यील्ड पॉइंट क्रॉस किया, मैंने कहा परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब अब वो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे नहीं जा सकता, यानी वो प्लास्टिक जोन में चला गया। प्लास्टिक जोन में प्लास्टिक एक बार परमानेंटली डिफॉर्म होता है फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाता, तो वो कहां से शुरू होगा, दैट इज फ्रॉम
upper yield point to lower yield point and then permanent deformation के बाद सीधा cracking जो आपका ultimate load है, जो आपका maximum load है जहाँ पर, उसके बाद आपकी breaking point है। समझ में आया सभी को या नहीं समझ में आया? पहले इतना बताइए। Yes sir. किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इतने में तो बताइए please. कोई दिक्कत? No sir. चलिए एक सेकंड ज्वाइन कर लीजिएगा भाई अगर लॉग आउट हो गए तो, है ना? ठीक है, 5-10 मिनट और आएंगे। चलिए अटेंडेंस भेज दीजिएगा भाई। देखिए मैंने कहा था मुझे भेज दिया, भेज दिया है क्या? मैंने देखा नहीं। चलिए भेजा नहीं भाई अटेंडेंस किसी ने, भेज दिया सर। भी जा रही है, थोड़ा नेट स्लो है ना। ठीक है, चलिए अब आइए। अब अभी तक मैंने बात करी हुक्स लॉ, अब मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप में से कोई मुझे बता सकता है हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस है? एनीवन है कि नहीं है ये बताइए पहले। हार्डनेस में बहुत ज्यादा हार्ड होता है मटेरियल। अच्छा, किसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड का कोई स्टैंडर्ड? जैसे अगर डायमंड हो गए तो हार्ड मटेरियल, जैसे